शासन की योजनाओं को कैसे चूना लगाया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण छिंदवाड़ा के चांद तहसील की बालक प्राथमिक शाला में देखने को मिला है। यहाँ स्कूल से गायब एलईडी प्रभारी प्रधान पाठिका स्वाति जैन के घर पर मिली है। खास बात यह है कि उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से अनुमति भी नहीं ली थी। जब उन्हें भनक लगी कि मीडिया कर्मी इस बात की जानकारी लेने पहुंचे हैं, तो उन्होंने तत्काल टीवी स्कूल में लाकर रख दिया। बता दें कि माध्यमिक शाला के बच्चों को एडवांस शिक्षा देने के उद्देश्य से शासन की योजनाओं के तहत विधायक निधि से जिले भर की माध्यमिक शालाओं में एलईडी वितरित की गई थी, जिससे छात्रों की पढ़ाई का स्तर सुधारा जा सके। लेकिन चांद बालक माध्यमिक शाला की प्रधान पाठिका को बच्चों के पढ़ाई का स्तर नहीं, अपने घर के लिविंग स्टैंडर्ड की ज्यादा चिंता थी। प्रभारी प्रधान पाठिका को शासन की योजना नागवार गुजरी। वह छात्रों को मिलने वाली योजना को दरकिनार करते हुए एलडी टीवी अपने घर पर ले गई। तब से वह अपने परिवार के साथ टीवी कार्यक्रमों का लुफ्त उठा रही थी। मीडिया ने इस मामले को खंगाला तो पता चला कि एलईडी स्कूल में नहीं है। इस बात की भनक लगते ही प्रभारी प्रधान पाठिका तत्काल दोपहिया वाहन से पति के साथ एलईडी लेकर स्कूल आ पहुंची। उन्होंने अपनी सफाई में एलईडी चोरी होने से बचाने का बहाना बनाकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया, जबकि स्कूल में एलईडी से महंगा सामान भी रखा हुआ है। वहीं इस मामले में स्कूल प्राचार्य ने जानकारी ना होने की बात कहकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि डीईओ अरविंद चोरगड़े ने जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम को सरकारी संपत्ति अपने घर ले जाने का अधिकार है। क्या उन्होंने एलईडी घर ले जाने की किसी अधिकारी से अनुमति ली थी? इन दो सवालों का जवाब कौन देगा? अब देखना यह होगा कि शिक्षा अधिकारी इस मामले में कार्यवाही करते हैं या फिर प्रधान पाठिका को बचाने की कोशिश होगी। बहरहाल जिलाधिकारी ने बीआरसी को जांच करने के लिए लिख दिया है। छिंदवाड़ा से संवाददाता राजेश दीक्षित की रिपोर्ट। मैडम, ये स्कूल में एलईडी बच्चों को पढ़ाने के लिए मिली थी, लेकिन ये आपके घर पे थी, इस मामले में आपका क्या कहना है? सर, लॉकडाउन हुआ तो सब लोगों ने विचार विमर्श किया, सभी टीचर ने मिलकर यहाँ से चोरी हो जाएगी, क्योंकि पहली भी एक बार चोरी हो चुकी है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? जब अपना स्कूल लेगा, अपन पुनः टीवी अपने घर से लाके यहीं पर लगा देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। एक सर ने बोला था कि हमारे घर पर सामने रख दीजिए, तो मैंने कहा आपके घर पर क्यों रखूंगी, आपकी भी क्या जवाबदारी? जवाबदारी मेरी है, यदि इसकी भरपाई करना पड़ेगा तो मुझे करना पड़ेगा। 22,500 की ये टीवी आई थी, इसकी पूर्ति कौन करता? क्योंकि सभी मुझसे बोलते कि मैडम टीवी कहाँ गई, टीवी कहाँ गई, तो टीवी के जवाब तो मुझे देना पड़ता ना। इसलिए सबसे सुरक्षित मैंने अपना घर समझा, घर ले जाकर रख लें। यहाँ पर एक दो बार बर्तन वगैरह चले गए हैं मध्यान्ह भोजन के, तो खिड़की वगैरह तोड़ के पीछे चोरी करने वाले, दारू पीने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, वो आकर ले जाते तो इसका कौन बहन करता? इसका बहन तो मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए सबसे सुरक्षित मुझे मेरा घर ही लगा कि भाई जब कहेगा कोई तब तुरंत लाकर अपन टीवी स्कूल में लगा देंगे। तो मीडिया को जानकारी मिलने के बाद में आप टीवी लेके क्यों आए? पहले भी ये बात बता सकते थे। तो मैंने सोचा कि अब आप लोग टीवी देखना, मैडम को फोन गया कि टीवी देखने के लिए आए, मैंने टीवी रखी है, तुरंत लेके भाई टीवी दिखा देते जी हमारे पास टीवी, आप कहेंगे फिर मैं आऊंगी फिर मैं जाऊंगी, फिर टाइम लगता है, इस चक्कर में मैं तुरंत लेकर आ गई कि फिर भाई दोबारा दूर पड़ता है घर 1 किलोमीटर यहाँ से, कि आप कहेंगे टीवी कहाँ कैसे दिखाओगे, तो इसलिए लेके चलते हैं, आपको दिखा देंगे टीवी। क्या नाम है आपका? स्वाति जैन। क्या है आप यहाँ पे? यहाँ पर प्रभारी प्रधान पाठक थी, लेकिन 1 साल एक परिसर हुआ तो सारा संकुल प्राचार्य के अंतर्गत आ गया है, जब से 1 साल एक परिसर। आप बताइए सर, ये चांद माध्यमिक शाला की जो प्रधान पाठिका है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीवी आई थी वो अपने घर में यूज कर रही थी, इस मामले में आपका क्या कहना है? आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया जा रहा है और इसकी हम जांच करा देंगे, और यदि दोषी पाई जाएगी तो उसके उन दोष के आधार पर उस पर विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एलईडी आई थी वो जैन मैडम घर थी, क्या आपको इस बात की जानकारी थी? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और चाबी भी मैडम के पास ही रहती है, और लॉकडाउन के कारण मुझे इसकी किसी प्रकार की कोई, उन्होंने लिखित में आपको सूचना दी थी कि हम कोई सूचना नहीं दी? क्या नाम? यहाँ सर स्कूल में गार्ड है, फिर उसके बाद भी यह टीवी ले जाना घर उचित है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो कब ले गई और नहीं ले गई। मैडम, इसकी जानकारी है कि नहीं कि स्कूल में एलईडी आई है? एलईडी का तो सुना है कि एलईडी दी गई है मिडिल स्कूलों के लिए जी, पर दी गई है लॉकडाउन के कारण, उन्होंने क्या किया भाई, चाबी उन्हीं के पास रहती थी, वही काम करती थी, तो उनको उनसे ज्यादा आप पूछिए।
मैम मतलब यही बताऊंगी कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, एलटी आई है ये पता है। मैम मतलब इसका मतलब ये है कि आप इस उनका जो है मिडिल स्कूल का आपके डेली नहीं खुलता है, अब लॉकडाउन के कारण नहीं खुलता होगा भाई, वो काम देख रहे हैं लॉकडाउन के कारण। अभी मुझे इसकी अभी कोई जानकारी, हमारा घर हमारा विद्यालय। आपका पूरा नाम है मैम? आपका नाम विमला भारती। क्या है आप? संकुल प्राचार्य। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.